आज हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्षद प्रतिनिधि चांद सिद्दीकी से की खास बातचीत के दौरान पार्षद प्रतिनिधि चांद सिद्दीकी ने बताया है, हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव जीते हैं। लगातार बीते 10 वर्षों से इस सीट पर हमारे परिवार से ही पार्षद रहा है। 2012 के चुनाव में मैं यहां से पार्षद रहा और 2017 के चुनाव में हमारी धर्मपत्नी यहां से पार्षद रही हैं। फिर से हमारी धर्मपत्नी यहां से पार्षद प्रत्याशी हैं और क्षेत्र की जनता से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि विकास करेंगे। लगातार हम लोग विकास करते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रशांत अवस्थी के साथ। सिर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करें, सफलताएं के मार्ग अपने आप मिल जाएंगे। जो आज मेरे साथ में खास बैठे हुए हैं, इस तक जानकीपुरम के पार्षद चांद सिद्दीकी हैं, जो उनकी धर्मपत्नी शिवा चांद सिद्दीकी पार्षद भी रह चुकी हैं और मौजूदा पार्षद उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी से। इनसे चुनाव मुद्दों को लेकर अहम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा गया, चुनाव बीते वर्षों से लगातार आप इस सीट पर दावेदारी लगातार मौजूदा विधायक पार्षद भी हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के जो काम कर रहे हैं इसको लेकर आप क्या सोचे आगे की? देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम पार्षद हैं, 5 साल मैं रहा और 5 साल मेरी पत्नी रही। देखिए, हम लोगों ने काम किया, मैंने 5 साल 2012 से 2017 के बीच में जो काम किया, उस काम का नतीजा था कि जनता ने 2017 में हमारी पत्नी को जिताया। और चुनाव जीतने के बाद आप जो क्षेत्र में जो विकास अभी तक नहीं हुआ उन पर क्या फोकस रहेंगे आपके? देखिए, पहले तो हमने जो काम किया 2017 के बाद, तो हमारी पत्नी को जानकीपुरम की जनता ने लगभग 6,000 वोट दिए, जो लखनऊ शहर की सबसे बड़ी जीत रही। और उसके बाद फिर 17 से लेकर के और 22 तक, आज 2023 तक जो हम लोगों ने काम किए हैं, उसी के काम के दम पर हम लोगों के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हम उसके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अगर क्षेत्र की जनता दोबारा आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों पर अभी जो कार्य करना बाकी है तो क्या करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि हम डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि आपने काम किया है और हम, क्योंकि ये क्षेत्रीय इलेक्शन है और क्षेत्रीय इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे सबसे करीब का जनप्रतिनिधि कौन है, इसलिए हम आपको। जैसा कि देखा जाए कि मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा नारा सबका साथ सबका विकास, मगर अब विपक्षी दल के होते हुए जिस तरीके से यहाँ पर पार्षद होते हुए विकास किया, इस बारे में क्या सोचे? देखिए, 2017 में भी यही स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं पार्षद का चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से हम जो है यहाँ जीते, 6,000 वोट मिले मुझे। तो देखिए, सत्ता सरकार अलग बात है, देश और प्रदेश की सरकार में और नगर निगम की सरकार में फ़र्क है। नगर निगम एक खुद एक संस्था है और उसके पास एक बड़ा बजट है, जो हम लोग उस बजट से काम करते हैं और हमारे अधिकार हैं, जो हमें अवस्थापना 15वां वित्त ये सब बजट जो मिलते हैं वो अधिकार है। मैंने 2012 से 17 में जो काम किया और 17 से 22 में जो काम किया, लगातार हमने क्षेत्र का विकास किया है और विकास के नाम पर ही हम जनता से वोट। जैसा कि ये क्षेत्र की जनता आपको जिताती है तो हवाई चल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आने वाले समय में 4 मई को इलेक्शन है और आप सब लोग घरों से निकलें, वोट करें और वोट विकास पे करें। जिसने विकास किया है क्षेत्र पे, वोट विकास पे करें, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी संप्रदाय, किसी पर, केवल काम पे वोट होना चाहिए जिसने विकास किया। ये थे हमारे साथ में पार्षद जो शिवा चांद सिद्दीकी के प्रतिनिधि चांद सिद्दीकी, जिन्होंने बताया कि विकास जो नहीं हुआ उसको विकास करेंगे। जैसा कि विकास की बात करने वाले जिन्होंने कहा कि विकास मौजूदा सरकार में ना होते हुए भी विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल मिश्रा के साथ प्रशांत अवस्थी, लखनऊ।